वट इज रिपल? रिपल क्या होता है? इट इज फ्लक्चुएशन आर पल्सेशन प्रेजेंट इन द आउटपुट वोल्टेज सप्लाइड बाय ए रेक्टिफायर. उस रेक्टिफायर के मतलब रेक्टिफायर के जरिए जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया या जो भी हमारे पास करंट था, वो जब हमारे पास हमने यहाँ से इसको इस फॉर्म में वेव दी और जब ये हमारे पास ये इनपुट था और जब हमारे पास आउटपुट में आया तो वो पल्सेटिंग के साथ आया. यानी आउटपुट में अगर कोई पल्सेटिंग मौजूद होगी तो आउटपुट वोल्टेज में, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ पल्सेटिंग इन आउटपुट वोल्टेज इज नाउन एज रेक्टिफायर. ठीक है, सॉरी रिपल. व्हाट इज फिल्टर? इट इज अ सर्किट element which remove ripples present in the output voltage supplied by a rectifier. ठीक है, हमारे पास जो सर्किट होता है ना जिसमें हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में जो पल्सिंग आ रही होती है, उस पल्स को रिमूव करने के लिए फिल्टर यूज़ होता है. उसको जो सर्किट एलिमेंट यूज़ होता है उसे फिल्टर बोलते हैं. और बेसिकली वो क्या होता है? कैपेसिटर होता है. बेस्ट कैपेसिटर इज द मोस्ट सिंपल फिल्टर. वो बहुत सिंपल और बेस्ट फिल्टर होता है. हमने अप्लाई करके भी देखा. मैं आपको फिर भी एक छोटी सी वीडियो लगा के ना उस कैपेसिटर को, हमने गालिबन 3 दिन पहले किया उसको फिल्टर लगा के. एक छोटे से कैपेसिटर सर ने हमें दिया था और हमने उसको लगा के किया, तो वो उसके ज़रिए पल्सिंग आ रही थी जब, और जब नहीं आ रही थी तो हमने इसको हटा दिया तो फिर वो नॉर्मल वेव आ रही थी. ठीक है,